Who will stop me? इस साल की सबसे जबरदस्त एक्शन एंटरटेनर मूवी बड़े मियां छोटे मियां, जिसमें हमें खिलाड़ी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जैसी डायनामिक डुओ नजर आने वाली हैं। अब आए दिन मूवी चर्चा में है और इसकी हाइप तो पूछिए ही मत। उसी को देखकर बड़े मियां छोटे मियां के विलेन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपनी आने वाली मूवी दी गोट लाइफ, जो 10 अप्रैल को बड़े मियां के साथ रिलीज होने वाली थी, उसे प्रीपोन्ड करके 28 मार्च को रिलीज करने का फैसला लिया है। तो उन्हें अपनी मूवी और हाइप की वजह से ही बैकवर्ड पर आना पड़ा। अब मूवी को लेकर सब प्रॉमिसिंग तो नज़र आ रहा है, मतलब रियल एक्शन, वीएफएक्स, केमिस्ट्री, रियल लोकेशंस, जो मूवी के लिए प्लस पॉइंट्स है, जैसे मूवी ब्लॉकबस्टर होने की और एक्टर्स के जोरदार कमबैक की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। जैसे बड़े मियां छोटे मियां, ये टाइगर और अक्षय दोनों के लिए एक जोरदार कमबैक का मौका है। स्पेशली अक्षय जैसा मौका अमिताभ बच्चन को मिला था। दरअसल 70s और 80s में शोले, शहंशाह, दीवार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद 80s में अमिताभ बच्चन का इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा था। 1992 में उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला लिया। उसके बाद वो 1997 तक बड़े पर्दे से दूर रहे, लेकिन 1997 में उनकी मूवी मृत्यु दंड आई और ये मूवी बुरी तरह से पिट गई। इसकी वजह से अमिताभ बच्चन का स्टारडम कम होता नजर आने लगा, जैसा भी अक्षय का हाल है। पर 1998 में डायरेक्टर डेविड धवन की मूवी बड़े मियां छोटे मियां करके अमिताभ बच्चन का करियर सवर गया, उसे मूवी ने लाज रखी। तो उसी तरह अक्षय की भी लाज रखती है ये मूवी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, अब आप बताओ कितनी एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।